जनपद देवरिया के विकास खंड गौरी बाजार की ग्राम पंचायत बखरा खास के ग्राम प्रधान हरेंद्र कुमार गौतम ने अपने कार्यकाल में विकास विकास किया है। वह इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमारे संवाददाता ने गांव के लोगों से बातचीत की तो गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान की तारीफों के पुल बांध। वही गांव के लोगों ने कहा कि ग्राम प्रधान ने गांव के लोगों को हर घर में शौचालय, सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग, सोलर लाइट, पेंशन, पानी टंकी, पुलिस चौकी आदि विकास कार्य कर गाँव को विकास के मामले में आगे ले जा रहे हैं। वही गाँव वालों ने ये भी कहा कि अब गाँव में सामुदायिक शौचालय भी बन के तैयार होने वाले हैं। ग्राम प्रधान ने शमशान घाट पर मुक्ति पथ का निर्माण शानदार कराया है। आने वाले चुनाव में भी हम लोग इन्हीं को वोट देकर फिर से प्रधान बनाने का कार्य करेंगे। प्रधान जी, ग्राम पंचायत बखरा को विकास को लेकर आप कहां तक देखते हैं? मैं हरेंद्र गौतम, ग्राम पंचायत बखरा खास, वर्तमान ग्राम प्रधान। मैं ग्राम पंचायत बखरा को विकास कार्य में सबसे पहले गांव के जल जमाव को मैंने समाप्त किया। दूसरा कार्य जो भी मार्गे थे एक दूसरे मार्ग से कनेक्ट नहीं थे, मैं उनको उस मार्ग तक कनेक्ट किया है, चाहे खड़ंजा से हो सके या इंटरलॉकिंग से हो सके या मरम्मत हो सके। मैंने जिस तरह से हुआ उस तरीके से मैंने एक मार्ग को दूसरे मार्ग में जोड़ने का काम किया है। तीसरी काम, मैंने कुछ विधायक जी के सहयोग से कुछ जिले के अधिकारी कर्मचारी के सहयोग से अपने ग्राम सभा को सौना ग्राम सभा से एक पीच मार्ग जोड़ने का काम कराया, एक भर्ती बखरा से पीच मार्ग जोड़ने का काम कराया, जिसमें विधायक जी का अथक सहयोग रहा, आदरणीय स्वर्गीय जनमेजर सिंह जी का। उसके बाद एक मैंने भरिया बखरा का मैंने प्रयास किया तो विधायक जी ने अपने पैर से दिया था, उसमें मैंने बखरा भरिया को पीच जोड़ने का काम किया। हमारे ग्राम सभा में बहुत पहले से एक बहुत बड़ा पुल बना हुआ था जो मेघाबारी और कहाँ के बीच में है, एक ताल है, उसी ताल के बीच में था जहाँ आवागमन नहीं चलता था। मैं अपने प्रधानी कार्यकाल के अंदर ही उस पुल को 6 फीट कुछ इंची नीचे करके और मैं वहाँ एक ही साथ 84 टाली ईंटा लगा करके खड़ंजा करवाया, जो हमारे मानक से अधिक था, लेकिन मैं उसको एक ही साथ खड़ंजा करवाया था। 5 मीटर चौड़ी की खड़ंजा हुआ, जिसमें फिर विधायक जी ने सहयोग करके उस खड़ंजे के ऊपर पीच कराने का काम किया था। उसके बाद मैं अपने ग्राम पंचायत में जो शौचालय हमारे ये सर्वेयर द्वारा, जो ग्राम पंचायतों में सर्वेयर आते थे, उन सर्वेयर को बनाने के बाद भी मैं अपने अथक सहयोग प्रयास से जिला कर्मचारी अधिकारियों से मिल करके स्वच्छता मिशन के तहत अपने ग्राम सभा में आवश्यकता अनुसार शौचालय लाने का काम किया और उसे बनवाने का भी काम किया। दूसरे उसके बाद मैं अपने ग्राम पंचायत में ही पानी का टंकी अपने ग्राम पंचायत के प्रस्तावित सहयोग के करके और जल निगम विभागों से मिल करके मैंने डीएम साहब से पर्सनल मिला था और वह मुझे पानी की टंकी मिला। उसके बाद हम अपने ग्राम पंचायत में ये जो मरने के बाद हम लोगों को लाश जलाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, उसके लिए मैं काफ़ी सहयोग मांगा और जिसमें स्वर्गीय जन्मेजर सिंह विधायक जी द्वारा हमको हमारे ग्राम पंचायत में यह अंत्येष्टि स्थल मिला, जो भावुकतापूर्वक मैंने बनवाया है, भव्य तरीके से बनवाया है। मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे ब्लॉक में या मेरे जनपद में उस तरीके से कहीं ग्राम प्रधान द्वारा बनाया गया होगा, वह आप लोग देख भी सकते हैं। और अपने गाँव के जो प्रवासी मजदूर थे, उन मजदूरों को, जो मजदूर काफी दिनों से गांव में नहीं रहा करते थे, दिल्ली बम्बई कलकत्ता से आकर के वो लोग गांव में हमारे रहने लगे, उनके पास न कोई राशन कार्ड था, न कोई खेत था, न कोई सहयोग था। मैं उनके लिए भी अपने ग्राम पंचायत के सहयोग से, कोटेदार के सहयोग से, अपने सहयोग से मैंने उन लोगों तक घर तक राशन दिलवाने का काम किया, कुछ धन दे करके उनको लॉकडाउन तक उन लोगों का मैंने हम सहयोग करके उन लोगों को अपने साथ रखने का काम किया। और जो प्रवासी मजदूर मेरे ग्राम सभा में आते थे उनको मैं प्राथमिक विद्यालय पर रखा था, जब वो लोग डरने लगे, रुकने से इतराज करने लगे, तो मैं अपना भी बिस्तर उनके बगल के कमरे में लगा करके उनके सहयोग में वहीं बगल में रहना शुरू कर दिया, ताकि मेरे ग्राम पंचायत में कोरोना काल फैल ना सके। यह मैं संक्रमित बीमारी से अपने ग्राम पंचायत को बचाने में रात दिन जग करके
मैं काम किया और मेरे साथ मेरे सहयोगी भी बहुत काम किए। मेरे ग्राम पंचायत के एक एक व्यक्ति एक्टिव रहे, किसी के बगल में कोई आ जाता था तो मुझे सूचित करके और मैं तत्काल अपनी गाड़ी भेज करके मंगवा करके उनको सैनिटाइजर उनके घर का करवाता था और उनको प्राथमिक विद्यालय में, इंटर कॉलेज में या सामुदायिक जो भवन बना है वहाँ रखने का मैंने काम करता रहा। और एक जो कहा जाता है कि एक्टिव, तो मैं उतना अपने अंदर एक्टिविटी रखता था, इतनी टैलेंटी से मैंने काम किया कि मेरे गांव की 12,000 आबादी होने के बाद भी मेरे ग्राम पंचायत में एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया गया। 447 लोग बाहर से मजदूर आए थे मेरे ग्राम सभा में, जो लगभग लॉकडाउन के तहत 348 जो प्रवासी मजदूर के तहत आए थे, लेकिन किसी के वहाँ कोई शिकायत नहीं मिली। यह मैं अपने एक्टिविटी से, अपने ग्राम पंचायत के सहयोग से लगा रहा और लोगों के सहयोग से हमारा ग्राम पंचायत समुचित ढंग से कोरोना काल में वंचित रहा। का नाम? जी दिलीप यादव। कहाँ के रहने वाले सर? यही पड़ोस गांव सिरसिया नंबर 3 से। प्रधान जी की बहुत तारीफ हो रही है, इनके गांव में जब मैं एंट्री किया था लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो अब भी इनके बारे में जानते हैं कि नहीं, कैसे प्रधान है? बहुत अच्छे प्रधान है, मैं पूरे एरिया की गारंटी लेता हूँ कि इनकी इतना काम, इनके इतना बढ़िया काम तो किसी ने कराया ही नहीं है। हालांकि मेरा भी गांव है, अब जाके जायजा ले सकते हैं, यानी आसपास यहाँ कम से कम 8-10 किलोमीटर इनके जितना सड़क की कनेक्टिविटी देखिए और देखिए, तमाम तरह का हर काम, कहीं एक इतना भी पानी नहीं नजर आएगा इनके गाँव में, कोई बीमारी नहीं है, इतना एक्टिव है कि कुछ कहना नहीं है। नाम है आपका? कैलाश प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? बखरा के रहने वाले। बखरा के ग्राम प्रधान ने कितना विकास करवाया? बखरा के ग्राम प्रधान ने बहुत बहुत ज्यादा विकास करवाया है। क्या क्या कराया है? हर एक के जगह जगह सड़क नाली, वो शमशान घाट, वो पुल जो है मेगा का, वो रास्ता एकदम ब्लॉक था, बंद था, उसको तोड़वा कर नीचा कराया, रास्ता चालू कराए। और क्या करा है? और जैसे बाहर से लोग आए तो बाहर से लोग आए उनका बहुत सैनिटाइजर, उनका चाय नाश्ता हर तरह से। टीवी ऑन इंडिया न्यूज के लिए सोनू कुमार यादव की रिपोर्ट, देवरिया।